चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, और आज की क्लास में हम जो आपको होमवर्क असाइन किया था वो डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ नया भी मजीद अटेम्प्ट करें। होमवर्क में जो कुछ आपको असाइन, बल्कि मुझे याद आया कि एक सवाल जो मैंने 5 ईयर का असाइन किया था वो मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी, किसी स्टूडेंट ने कहा सर वो सेंड कर दें, लेकिन इत्तेफाक की बात है तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी जिसकी बिना पर मैं आज वो क्वेश्चन भी आपको सेंड नहीं कर सका। मैंने मैसेज जरूर देख लिया था, लेट देखा है, लेकिन फिर इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर बहरहाल पढ़ाने के वक्त तो हिम्मत करनी पड़ती है, उस वक्त तो करना ही है काम। तो अब आपकी खिदमत में मौजूद हूँ और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं, मैंने आपसे कहा कि बैलेंस शीट में अगर 6 रुपए का डिफरेंस था वो तो हमारी मिस्टेक थी। आप जल्दी से अपनी बैलेंस शीट में कैश के अमाउंट 7,2,2,4,6 और 0 था, इसको 6 कर लीजिए तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। जिन लोगों ने काम नहीं किया हुआ, बिल्कुल भी काम नहीं किया, वो एन लिख कर भेजेंगे। कल यही थी ना पॉलिसी हमारी, जिन्होंने काम नहीं किया हुआ होगा वो एन लिख कर भेजेंगे, जिन्होंने काम किया हुआ है और टैली नहीं हो रहा वो डी लिख के भेजेंगे, डन, और जिन लोगों का टैली हो रहा है वो वाई लिख के भेजेंगे। तो जिसने बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ है वो एन लिख के भेजेगा, जिसके पास टैली हो रहा है वो वाई लिख के भेजेगा, जिसके पास टैली नहीं हो रहा वो डन डी लिख के भेजेगा। ओके ठीक है जी। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन का इनकम स्टेटमेंट बनाया होगा, तीनों चीजें बनाई हैं। मैं टोटल अमाउंट आपसे पूछ पूछ के लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है जी। तो कौन अनम्यूट करो बेटा, आपको जल्दी से कौन इकबाल अनम्यूट करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, जी जी सबसे पहले सेल्स बता रहे कितनी लिखी है सर? 983947 ओके, नेट सेल्स भी है, नेट सेल लेस सीजीएस 524275। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकिएगा, म्यूट कर रहा हूँ मैं, जरा एक मिनट रुके। ओके जी वापस आ गया मैं। तो मेरे बच्चों आप लोगों के मैसेज भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देखते रहते हैं। तो जी बेटा कोमल आप बता रही थी मुझे मेरा बच्चा सीजीएस के अमाउंट। जी सर 524275। साथ साथ देखते रहेगा स्क्रीन पे, मैं कोई मिस्टेक ना करूं लिखते रहे। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे सीजीएस, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम बता दो मेरा बेटा डायरेक्ट। जी सर 436692। सही है? यस सर। लॉस हो गया? नो सर, लॉस नहीं हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 22,980 रुपए, ठीक है? जी सर। अदर इनकम का नाम बताओ। इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम अमाउंट बताओ मेरा बेटा। 11,294। ओके, इसका नाम क्या लिखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट प्रॉफिट? नो सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, अब क्या करूं इसमें से लेस? लेस टैक्स एक्सपेंस 8,000।
2,6,2,7,4 net profit, सही है? Yes sir, yes sir. Statement of retained earning, opening. Retained earning opening balance 16,848. 16,848, 16,848 रुपए. Yes sir. इस साल का प्रॉफिट 26274. टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन लेस appropriations sir cash dividend payable 24,000 interim dividend 15,000 cash dividend payable kitna raha beta 24,000 aur interim dividend 15,000 okay 15,000 aur mera bachcha ko reserve banaya नो सर ओके दोनों को प्लस कर देते हैं और 39,000 इन दोनों का सम सही है जी 4,122 रिटेन अर्निंग एंडिंग यस सर चलिए जी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी हो गया बैलेंस शीट पे आ जाते मेरा बेटा बैलेंस शीट में जनाब अली सबसे पहले आपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल था बेटा इस क्वेश्चन में नो सर इशूड एंड पेड अप कैपिटल ओके डायरेक्ट इशूड एंड पेड अप कैपिटल की हेडिंग डाली होगी क्लास ने तो इशूड एंड पेड अप कैपिटल की हेडिंग अंडरलाइन क्या होगा इसे जी सर और इसके नीचे आपने कितने शेयर लिखे हैं बेटा क्वेश्चन में बताया था शेयर्स की तादाद जी सर 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स 10 रुपीस 60,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट रुपीस 10 ईच 6 लाख यस सर और प्रीमियम था सवाल में कोई ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम नो सर रिजर्व था पहले से यस सर रिजर्व से किस नाम से था सर जनरल रिजर्व्स के नाम से ओके अमाउंट बताइए बेटा 2,50,000 2,50,000 कोई नया रिजर्व बनाया नो सर ओके रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस हमने ऊपर निकाला था 4,122 ओके सबको प्लस कर दिया टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 854,122 यस सर ओके लायबिलिटीज सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी स्टाफ प्रोविडेंट फंड बस एक ही है यस सर तो डायरेक्ट लिख दूं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसी को एतराज ना हो अगर तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अमाउंट बता दो बेटा 39,000 अच्छा इसमें मुझे बताओ पहले से कितनी थी क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में सर पहले से मौजूद थी 37,500 और फिर जब हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी उसमें 1500 थी ओके मेरा बच्चा ये हमने ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के आगे ब्रैकेट में आप स्टाफ प्रोविडेंट फंड के आगे ऐसे ब्रैकेट बना के लिखेंगे ठीक है अमाउंट आई 39,000 ये करंट टोटल ये है आपका कौन सी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो है मैं उसके नाम लेता हूँ आप वेरीफाई करना ठीक है मैं नाम लेता हूँ ओके मेरे मुताबिक करंट लायबिलिटी में आपके पास सबसे पहला नाम जो है जनाबे अली वो है
सबसे पहला है अनक्लेम्ड डिविडेंड 6526। अनक्लेम्ड डिविडेंड लाइबिलिटी होती है कंपनी की, किसी को एतराज है तो अनम्यूट करने की इजाजत दे चुका हूँ, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन करें, चैट पे मैसेज लेके पूछ लें कि सर ये क्यों है अनक्लेम्ड डिविडेंड लाइबिलिटी। ये वो डिविडेंड है जो कंपनी दे चुकी है लेकिन अभी तक शेयर होल्डर्स ने आके क्लेम नहीं किया। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर वन पढ़ाते हुए कि अब ये अनक्लेम डिविडेंड आने वाले वक्तों में नजर नहीं आया करेगा, क्योंकि अब डिविडेंड डायरेक्ट शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में जाता है, अब उसके पास डिविडेंड वारंट नहीं आता, वो ले जाके अपने अकाउंट में खुद जमा नहीं करवाता बल्कि डायरेक्ट कंपनी उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेजती है। तो अब ये अनक्लेम डिविडेंड का चक्कर ही खत्म हो जाएगा आने वाले वक्तों में, जैसे कि आने वाले वक्त दौरे जदीद में, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं तो सवाल ले रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल बड़ा डिजिटल करेंसी का और इस मौके पे अभी जो हालात है कोरोना वायरस की वजह से जो है ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग को रुझान दे रहे हैं, आने वाले वक्तों में ये पैसे का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, इसी कोरोना वायरस को बेस बनाया जाएगा और बोला जाएगा कि पैसों के ऊपर वायरस लगते शिफ्ट हो जाता है दूसरे के बाद, तो पैसे का चक्कर ही खत्म कर देंगे, सब चीजें ऑनलाइन डिजिटलाइज हो जाएंगी आने वाले वक्तों में। बहरहाल जी कोई सवाल करना चाह रहा था, अनम्यूट किया था किसी ने, मैं देख नहीं सका। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो पहले लाइबिलिटी अनक्लेम 6526, दूसरी ट्रेड क्रेडिटर्स 36858, तीसरी लाइबिलिटी जनाब, तीसरी लाइबिलिटी मेरे पास जनाब अली इंट्रीज में डायरेक्टर कमीशन पेबल या कमीशन पेबल 6500। यस सर। जनाब अली मेरे पास टैक्स पेबल 8000। यस सर। बस जनाब बेटा करंट लाइबिलिटीज को समझ लो मेरा बच्चा। सर कैश डिविडेंड पे बिल भी है ना 24000। ओके मैंने देखा नहीं, पे बिल कौन है अना, हाँ या आखिर में किया, बिल्कुल सही कह रही हो, ये वाला मैंने बोल्ड भी किया इसको, सही है, एडजस्टमेंट से देख लिया होगा आपने है ना, ऊपर हमारे पास भी एडजस्टमेंट में नहीं है, क्यों नहीं देख रहे, ये रहा कैश डिविडेंड पे बिल 24, सही है मेरा बेटा, ये सारी लाइबिलिटी ऐड करके करंट लाइबिलिटीज का सम सर 81884 करंट लाइबिलिटीज है मेरा बच्चा। यस सर। ओके तो टोटल लाइबिलिटीज बने हमारे मुताबिक 120884। यस सर। और टोटल लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की अमाउंट है 975006। यस सर। ओके जनाब बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरे क्वेश्चन पर आ गया, चलिए जी अब मैंने लिखा एसेट्स, एसेट में सबसे पहले फिक्स एसेट का नाम लो सर, टेंजिबल एसेट से बिल्डिंग मशीनरी, कल इसके बारे में बताया था ना, मैं लिख के भी दिखाता हूँ सब लोगों को। नॉन करंट एसेट में आज हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट टेंजिबल एसेट्स, और अब सब बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, अभी तक हमने आपको इसमें नोट नहीं बनवाया, आज एक नोट बनाना सिखाते हैं। आप टेंजिबल एसेट्स में पहली बार मैं नोट बनवा रहा हूं, अभी तक मैंने एक भी नोट नहीं बनवाया। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर नोट क्या चीज होती है, जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स बताए थे तो मैंने कहा था इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यानी रिटेन अर्निंग, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पांचवी चीज थी मेरे बच्चों नोट्स टू द अकाउंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, डिस्क्लोजर या नोट्स टू द अकाउंट्स, ये सारे वर्ड यूज किए थे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बल्कि अगर हमें मौका मिला और मेरे सिस्टम ने मुझे इजाजत दी तो मैं आपको नोट्स टू द अकाउंट किसी कंपनी के दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, अभी कोशिश करता हूँ पहले अपनी बात मुकम्मल करूँ। तो टेंजिबल एसेट्स डायरेक्ट हम लिखेंगे और इसके आगे आप बैलेंस शीट के फेस पर, अब देखें आप अपनी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, मैं आपको प्रेजेंटेशन चेंज करने को हरगिज नहीं कह रहा, लेकिन आपको आना चाहिए ये काम, और अभी मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगा अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हमारे पास हम जो है वो कंप्यूटर पर ही पढ़ रहे हैं तो मेरे लिए चीजें दिखाना मुश्किल नहीं है, मैं अभी शो करता हूँ आपको। टेंजिबल एसेट्स में हम आगे लिखेंगे नोट वन, और अब ये नोट वन लिख के हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, और हम अपनी बैलेंस शीट मुकम्मल होने के बाद, जब आपकी बैलेंस शीट मुकम्मल हो जाए तो आप एक नोट बनाना, मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बैलेंस शीट यहाँ मुकम्मल हो गई है तो
तो मैं आपको नोट बना के दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट मुकम्मल होने के बाद आप इस तरह से लिखना नोट वन, तो बड़ा भी कर देता हूँ स्क्रीन को और इसको थोड़ा सा मुनासिब कर लें। चलिए जी मेरे बच्चों, नोट वन इस तरह बना के आप हेडिंग डाल दें। आप इसको ये बैलेंस शीट के बिल्कुल एंड पे बनाएंगे हम, ठीक है? और हम यहाँ लिखेंगे आप क्या चीज है ये नोट वन, किस चीज का? टेंजिबल एसेट का। तो सबसे पहला टेंजिबल एसेट बताओ कोमल बेटा। सर बिल्डिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद दूसरा नाम, पहले नाम बता दो सारे। मशीनरी। नेक्स्ट मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स। नेक्स्ट फर्नीचर। ओके मेरा बच्चा, पहले सब क्या अमाउंट लिखो। 1 लाख। जी। 2 लाख। जी। 15,000। जी। 15,000। 5,000। ये आ गया आपके टोटल टेंजिबल एसेट्स। इसमें से आप लेस करके दिखाओ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के आगे ब्रैकेट बना देता हूँ समझाने के लिए। पहले से कितना डेप्रिसिएशन था बेटा टोटल इन सब का, क्वेश्चन में? 71,000 प्लस। इस बार एडजस्टमेंट में आपने 10,000 रिकॉर्ड किया था? यस सर। ओके मेरा बच्चा, ये आ गया आपके पास। आ गए हमारे एसेट्स की टेंजिबल एसेट्स बुक वैल्यू 239,000। आप इस तरह से बैलेंस शीट को प्रेजेंट करेंगे। अब मैं यहीं पर रुकता हूँ क्लास को, आज थोड़ा सा पढ़ाई से हट के बात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए पढ़ाई पढ़ाई चल रही है। एक छोटी सी बात ऐसे ही आपसे प्रैक्टिकली शेयर करता हूँ और मैं जरा एक रिपोर्ट खोलता हूँ एक कंपनी की, अगर आपको देखने में आसानी हो नजर आए तो फिर ठीक है, फायदा है। वैसे तो हम ये ऑडिट में ये चीज डिस्कस करते हैं लेकिन क्योंकि आज मौका है और इंटरनेट कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं तो मैं देखता हूँ, एक फाइल रिपोर्ट निकालता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ। थोड़ा सा साथ रहिएगा सब लोग, कोई क्वेश्चन करना चाहे तो बिना झिझक करेगा जनाब। शुक्र अलहमदुल्ला भाई, मत बोल सब सही चल रहा है, विकास में कुछ हो जाएगा। समी खामोशी से पता है सब सही चल रहा है, चलने दें। जब सब सही चल रहा हो तो चलने देना चाहिए, मंगे लेना अच्छी बात नहीं है। ये कंपनी के फाइनल अकाउंट्स, आप फाइनल तो नहीं, 9 मंथली अकाउंट आपके सामने है। कंपनी का नाम है रेली स्टील्स, काफी हैवी होती है रिपोर्ट, काफी बड़ी है।
अगर आप इसके पेजेस देखें, सिर्फ 9 मंथ्स की रिपोर्ट है, 23 बहुत समराइज्ड में है ये, ठीक है। ईयरली रिपोर्ट भी मेरे पास डेफिनेटली होगी, लेकिन इस वक्त मुझे फॉरन नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो यही आपसे शेयर कर लूँ। ईयरली रिपोर्ट्स मेरे पास, मैं चेक भी कर लेता हूँ इतनी देर साथ साथ, और आपको चले बार जब ईयरली के चक्कर में बहुत चले जाएंगे हम, फिर आउट ऑफ सिलेबस चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। इसको एक नज़र आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या, किस बला का नाम है क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ अगर आप लोगों को व्यू में मसला हो रहा हूँ। 100% व्यू कर लेते हैं, कंटेंट्स में लिखा हुआ है क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। अब पूछने को आप 10 करोड़ सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स टू द कंडेंस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरिम का मतलब साल के दौरान दिया जाने वाला डिविडेंड था, तो इंटरिम ये 9 मंथ की है, इसका मतलब ये पूरी कंप्लीट नहीं, इसलिए इंटरिम का वर्ड यहाँ भी यूज हो रहा है। ये चीजें देख लेते हैं क्या क्या है। कंपनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन आप सबको ये नहीं बताया जाता आमतौर पर, आप प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर रजिस्ट्रार कहाँ से, ये सब चीजें वगैरह। मैं आपको डायरेक्ट काम की चीज पर लेके चलता हूँ, और वो है जनाब आदि उर्दू में भी आइए ब्रेक के लोगों के लिए, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब अगर आप गौर से देखें तो मैं इसको और थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि नजर आए लोगों को, ये लीजिए अल्लाह करे अगर नजर आ रहा हो जनाब अली, आवाज थोड़ी खराब आ रही है, बस अगर थोड़ा सा नेट खराब होगा तो थोड़ी आवाज खराब आ रही होगी, जब थोड़ा नेट खराब होता है तो थोड़ी खराब आवाज आती है, जब ज्यादा नेट खराब होता है तो ज्यादा खराब आवाज आती है। सही है शहयान भाई, चलिए सर तो ज्यादा नेट खराब हो रहा है, ज्यादा आवाज खराब हो रही है। जी सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खराब है सर आवाज, क्या मेरी आवाज भी खराब है, आपका नेट भी खराब है, दोनों का कसूर है। चलें पढ़ते हैं, ये देखिए आपके सर आवाज माशाल्लाह से खूबसूरत है, आवाज माशाल्लाह से खूबसूरत है, नेट खराब है। ओके ओके सर, आपकी आवाज हमें प्रॉपर आ रही है। ये देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे यहाँ नोट लिखा हुआ है, नोट के आगे बकायदा नंबर लिखा हुआ है, अगर आप वॉच देखो 1684419986, इतने रुपए अमाउंट है, इतने यानी 16 मिलियन नहीं, मिलियन नहीं है तो ट्रिलियन बन जाएगा। आप अगर इस अमाउंट को पढ़ते, पहले तो आप इस अमाउंट को पढ़ते रहेगा घर पर वीडियो को देखते हैं कि ये है कितना, ठीक है। तो अब ये लिखा है नोट, नोट 5, इसका मतलब अगर कोई जानना चाहता है, इसी तरह इनटेंजिबल्स के बारे में जानना चाहता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका मतलब उसने सारे नॉन करंट एसेट टेंजिबल इसके अंदर बंद कर दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब कितने रुपए डेप्रिसिएशन हुआ है, इनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, आवाज खराब हो रही है, थोड़ा यार गुजार कर लो, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। देखो ना पढ़ाई से हटके आज बात की तो आवाज खराब हो रही है, वरना पढ़ाई के वक्त खराब होती थी। चलो मैं तुम्हें ये 5 नोट और 6 नोट ले आके दिखाता हूँ और तुम्हें बताता हूँ ये 16484 ये तो ये और ये 9 मंथली है, मजे की बात है। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, बैलेंस शीट के बाद क्या बना हुआ है, गौर से देख लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट, इसमें भी तुम देखो नोट नंबर दिए हैं, यानी अगर सेल की डिटेल देखना चाहते हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की डिटेल देखना चाहते हो तो जाके नोट्स देखो, नोट्स में डिटेल होती है और ये नोट के नंबर है। इसी तरह मैंने आज नोट नंबर लिखा है, फिर देखो क्या बना हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो एक नई चीज है मैंने कहा था, उसके बाद क्या बना हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, ठीक है, और आखिर में स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग चेंजेस इन इक्विटी जिसे कहते हैं, ठीक है। ये 5 चीजें हो गई, इसके बाद 4 चीजें हो गई, बल्कि 5वीं चीज तो आपको मैंने अलग से दिखाई है ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो हम गिनते ही है। ये देखो क्या लिखा है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडेंस इंटायर फाइनेंशियल, इंटायर आपको फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं, कंडेंस भी आपके ताल्लुक नहीं, आप ये देखिए नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंडेंस माने होता है मुख्तसर। अब देखें यहाँ पे 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, अब आपको याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट नंबर क्या पढ़ा था मैंने, ऊपर ये आ गया 5 और ये 6, 5 के अंदर भी डिटेल है अगर आप गौर से देखें। अब देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको बना के दिखा रहा है बकायदा कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट इतने रुपए के हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मैंने बताया था ना वो एसेट होता है जो अभी एसेट की शक्ल में आया नहीं है लेकिन बन रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग अभी तामीरी हालत में है, ठीक है। ऑपरेटिंग एसेट भी दिया है इसके अंदर मजीद डिटेल में, ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट की अगर डिटेल देखना चाहते हो ये 13 मिलियन कैसे बनता है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे दी गई है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है वो भी लिखा हुआ है, कितना मजीद खरीदे, कितने हमारे पास से चले गए, कितनी रिवैल्यूएशन हुई, ये सारी चीजें दी हुई है और ये नेट बुक वैल्यू है। अल्लाह करे आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया हुआ हो, जाहिर सी बात है आप इसको ना एमबीए कर रहे हैं ना आपको एमबीए लेवल की चीजें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ का भी अंदाजा हो। तो नोट्स आप बनाते नहीं हो, आप ना भी बनाओ पेपर में फाइनल तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ फिलहाल, कुछ और डिस्कस करना चाहो, कोई क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो, मैं फिलहाल बल्कि मिनिमाइज कर देता हूँ, कोई क्वेश्चन होगा तो बाद में हैंडल करेंगे। तो यार मैंने नोट बनाना सिखाया आपको, एक छोटा सा कब बनाना है, जब कोई चीज बहुत डिटेल में हो तो हम बैलेंस शीट के फेस पे उसे प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम नोट बना के इस तरह से दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ जितने लोग मेरे साथ इस मीटिंग में है सबको अल्लाह के हुक्म से मेरी बात समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई तो कम से कम हैंड रेस करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सारी सुनू है ना आज, या तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, हैंड रेस कर, ठीक है मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बात को आगे बढ़ाते हैं, टेंजिबल के बाद इनटेंजिबल एसेट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने जिन लोगों ने हैंड रेस किया, बहुत शुक्रिया। कोमल बेटा वापस आओ और मुझे बताओ इनटेंजिबल एसेट में कोई एसेट है आज आपके पास, इन्वेस्टमेंट्स
2888950। और कोई नॉन करंट एसेट्स है बेटा? नो सर, और कोई भी नहीं है। टोटल नॉन करंट एसेट आ गए। अब बारी आई करंट एसेट्स की। करंट एसेट में मैं एक एक करंट एसेट का नाम नहीं लेता, बल्कि मैं डायरेक्ट जो है टोटल पूछ लेता हूँ। कोमल टोटल बताओ बेटा। सर टोटल करंट एसेट्स हैं 447056। चेक करो सही लिखा है स्क्रीन पे। 447056, यस सर। ओके, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। सर 500, हाँ जी सर, एक सवाल है। जी सर, सवाल वेलकम। क्योंकि देखिए बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, बैलेंस शीट मैं बैलेंस शीट को टोटल एक तरफ लेके चल रहा हूँ, समझ रहे? यस सर। तो आप अगर एक अब देखे ना ये सारी चीजें तो किस में से कितना डेफिसिट लेस करूं, कर थोड़ी सकता हूं, इस तरह नोट बनाते हैं। और मैंने आपको ये चीज अभी अभी प्रैक्टिकल दिखाई कि आपको ये ना लगे कि यार सर अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं, तो प्रैक्टिकल भी ऐसे ही होता है। हमें तो प्रैक्टिकल पढ़ना नहीं है ना। क्या मतलब सर? आप तो कह रहे हो कदी में आप पुराने हम चैप्टर वो पढ़ रहे हैं, टॉपिक वगैरह। नहीं 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 मेरे दोस्त, देखो दौरे जदीद के रास्ते में पता होना चाहिए, और जो चीज दौरे जदीद के हवाले से हो सकती है हम वो करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको अगर मैं बीकॉम पार्ट वन में अगर लीफो मेथड पढ़ाता हूँ तो क्या मैं ये बोलता नहीं हूँ पढ़ाते हुए कि लीफो मेथड अब दुनिया में इस्तेमाल नहीं होता? यस सर। तो इसका मतलब मैं पढ़ाऊं नहीं अगर वो इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होता और आपके सिलेबस में अभी तक लिखा है तो पढ़ाना पड़ता है। और रही बात इसकी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दौरे जदीद के हिसाब से बना रहे हैं, इसमें आपके सिलेबस ने डिफाइन थोड़ी किया है कि बच्चों को कैसे बनवाना है। चलो ओके सर, समझ गया। तो दौरे जदीद क्लास से बनाएंगे हम, इसमें जो वक्त के साथ अपडेशन हो सकता है अगले साल आई कैप जो है इसमें कुछ नई चेंजेस ले आए, कंपनी लॉ इसके अंदर कुछ मजीद अपडेट करने को कहते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग। अब देखो ना जैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो आप 90% जो है पूछेंगे लोगों से तो वो कहेंगे ये हमें पता ही नहीं है ये होता क्या है, कम वक्त तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, मसला थोड़ी है। लेकिन क्योंकि वो आपके लेवल पे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको पढ़ाना ही नहीं आने, तो वो सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया, बना नहीं रहा उसको। ठीक है आगे बढ़ूं, आप इजाजत है? पूरी क्लास में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो सर आगे बढ़े, कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्या सर करंट एसेट का सम मैच नहीं हो रहा, मैंने करंट एसेट की डिटेल नहीं बताई, जितने लोग कह रहे थे डन लेकिन टैली नहीं था, अब सबके पास टैली हो चुका है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्या सर हमारे पास टैली नहीं हो रहा? का क्वेश्चन होमवर्क था। यस सर। चलिए फिर 2017 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2017 क्वेश्चन नंबर 1। एडजस्टमेंट 1 से लेके 7 तक है, एडजस्टमेंट ये तो कल कर लेंगे या 17 रेगुलर, मैंने कौन सा होमवर्क नहीं, मैंने आपको प्राइवेट दिया आपने 17 प्राइवेट दिया था, ओके मैं कहूँ 17 रेगुलर तो हो चुका है, 17 प्राइवेट 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 दिया, बस और कुछ नहीं दिया था? नो सर, और ये क्वेश्चन 4 दिया था। और क्वेश्चन 4, ओके। तो ये बताएं पूरी क्लास के इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है 2017 प्राइवेट क्वेश्चन 1, जिन्होंने कर लिया है वो यस लिखें, जिन्होंने नहीं किया वो नो लिखें, और जिन्होंने जिनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अनम्यूट करके पूछें। जिन्होंने काम कर लिया वो इंट्रेस्ट और बैलेंस शीट तो बना ली है, बिल्कुल सही है।